देश में घूम लेंगे, उनको किसी भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी के 10 स्कूल नहीं मिलेंगे। कमरा में 2000 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। मैं चुनौती देके कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को भी, मनोज तिवारी जी को और उनकी तमाम पार्टी को, कि अगर 2000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोपी दिल्ली में खुला घूम रहा है तो इससे ज्यादा शर्मनाक आपके लिए और क्या हो सकता है। अगर मनीष सिसोदिया ने 2000 करोड़ का घोटाला किया है तो हिम्मत है तो अरेस्ट करिए। ये लानत है आपके ऊपर कि 2000 करोड़ रुपए का आरोपी आप खुले हुए घूमने दे रहे हैं और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये सारा का सारा इसका मतलब सवाल आपके ऊपर ही है। अगर आम आदमी पार्टी ने, अगर केजरीवाल जी ने, अगर मनीष सिसोदिया ने घोटाला किया है तो आप अरेस्ट क्यों नहीं करते? और मैं खुल के कह रहा हूं, चुनौती देके, कि या तो शाम तक अरेस्ट करिए मुझको या माफी मांगिए दिल्ली की जनता से। अगर मैंने 2000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है तो आपके पास सारी एजेंसियां, आपकी केंद्र सरकार है, आप मुझे गिरफ्तार करवाइए। और अगर 2000 करोड़ रुपए के घोटाले की बात आपने झूठ बोली है दिल्ली की जनता से तो आप दिल्ली की जनता से माफी मांगिए, दिल्ली के उन पेरेंट्स से माफी मांगिए जिनके बच्चों के लिए शानदार स्कूल बन रहे हैं, उन गरीब लोगों से, उन ऑटो वालों से माफी मांगिए जिनके बच्चों को बढ़िया स्कूल मिलने लगे, उन मेड से माफी मांगिए, घरेलू नौकरानियों से जिनके बच्चों को अच्छे स्कूल मिलने लगे, झुग्गी में रहने वाले, अनऑथराइज कॉलोनियों में रहने वाले उन लोगों से माफी मांगिए जिनके बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिलने लगी है। 2000 करोड़ रुपए के घोटाले का आप आरोप लगा रहे और आप खुला घूमने दे रहे हैं मुझको, आप चला कैसे रहे हैं फिर सरकार केंद्र की? आपके हिसाब से 2000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपी की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में होनी चाहिए या उसकी जगह जेल में होनी चाहिए? गिरफ्तार करवाइए मुझको, नहीं तो शाम तक या तो मुझे गिरफ्तार कराए, नहीं तो माफी मांगे दिल्ली की जनता से, दिल्ली के उन तमाम पेरेंट्स से, दिल्ली के उन तमाम टीचर्स से, मनोज तिवारी जिनके सामने, जिनके बारे में उन्होंने झूठ बोला है। इन्होंने 400 फाइलें मंगवाई थी हमारी एलजी साहब से, उस दौरान सारी खंगाल ली इन्होंने। इन्होंने सीबीआई क्रिएट करा दी मेरे ऊपर, इन्होंने इनकम टैक्स के जरिए सारी फाइलें छनवा ली हमारी। उसके बावजूद इनको मिला देश में घूम लेंगे, उनको किसी भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी के 10 स्कूल नहीं मिलेंगे। और आप मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल पे। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।